फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज फुल स्टिचिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, मैं बैक का पार्ट कटिंग कर लिया। पहले हम लोग बैक पार्ट रेडी करेंगे। देखिए, बैक पार्ट पे हम लोग ऐसे पत्ते का जो डिज़ाइन है वो डालेंगे। देखिए, मैं डिज़ाइन को पहले ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए, मैं इसके ऊपर स्टिचिंग लगा के आपको दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं जिधर ड्रॉ किया उसके ऊपर ही मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। पूरा अच्छे से वो जैसे पत्ते का शेप है उसके ऊपर अच्छे से स्टिच उसके ऊपर अच्छे से पूरा स्टिचिंग करना है। देखिए, मैं इसके ऊपर अच्छे से स्टिचिंग कर लिया। अभी देखिए, थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं कटिंग कर लिया। अभी इसके ऊपर छोटा छोटा काट लगाएंगे। देखिए, काट लगा लिया। अभी इसको कोई नुकीला चीज़ से इसका पलटी मारेंगे और इसका कोना निकाल लेंगे। देखिए, मैं दूसरा का भी कोना निकाल रही हूँ ऐसे। देखिए, हम लोग का बैक का पार्ट का जो डिज़ाइन है ऐसे रेडी हो गया। अभी ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग का। देखिए, अभी ये बैक हुक होगा इसलिए हम लोग इसका बीच में कटिंग कर लेंगे। दोनों को बराबर रखते हुए बीच में से कटिंग कर लेंगे। अभी इसका हुक पट्टी और कांच का जो पट्टी है वो रेडी कर लेंगे। देखिए, मैं कपड़ा को अंदर के तरफ से रखा, इसको ऊपर लेके आएंगे कांच का जो पट्टी होता है। देखिए, अभी इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। एक कांच का पट्टी में ऊपर की तरफ फोल्ड होता है और हुक का पट्टी अंदर की तरफ। देखिए, अभी दूसरा पट्टी को भी हम लोग रेडी कर लेंगे। देखिए, अंदर की तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखिए, मेरा रेडी हो गया। देखिए, डिज़ाइन कुछ ऐसा बनेगा। अभी ऊपर इसके ऊपर हम लोग हुक लगाएंगे। फिर अभी इसका कमर का पट्टी रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर हम लोग लास्ट में सो बटन लगा देंगे। देखिए, इसको अभी अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। कमर का पट्टी इसका रेडी हो गया। अभी दूसरे पार्ट का भी ऐसे ही हम लोग रेडी कर लेंगे। देखिए, मैं दोनों पार्ट का रेडी कर लिया। देखिए, कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन गया पत्ते के शेप का। अभी देखिए, फ्रंट का पार्ट रेडी कर रहे हैं। देखिए, फ्रंट के पार्ट के लिए हम लोग जो अस्तर के ऊपर कटिंग किया था और उसका बोट नेक का जो शेप दिया था वो शेप में हम लोग स्टिचिंग कर देंगे।
ऐसा करने से सिलाई बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। देखिए इसको भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे और इसको फिर छोटा छोटा काट लगा देंगे। देखिए अभी जो अस्तर का जो पार्ट है उसको हम लोग जॉइन कर लेंगे। फ्रंट का पार्ट का दो हिस्सा कटिंग हुआ था, अभी जो प्रिंसेस कार्ड जो है हम लोग उसको जॉइन कर लेंगे। देखिए प्रिंसेस कार्ड का जो शेप था उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा लिए। दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही हम लोग सेम तरीके से जॉइन कर लेंगे, फिर मेन फैब्रिक के ऊपर जॉइन होगा। ये करने से ये सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ आता है और सिलाई दिखता नहीं है, अंदर की तरफ भी नहीं दिखता है। अब देखिए मेन पार्ट का भी हम लोग ऐसे सेम तरीके से उसका दो पट्टी को जॉइन कर लेंगे, जो प्रिंसेस कट का शेप है उसको जॉइन कर लेंगे। देखिए एक पार्ट को जॉइन कर लिया, फिर दूसरे पार्ट को भी जॉइन कर लेंगे। देखिए अभी अस्तर का जैसे हम लोग जॉइन किए थे ना, आप इसको देखिए पलटी मारेंगे, इसका सिलाई अंदर की तरफ जाएगा और सिलाई एकदम दिखेगा ही नहीं। देखिए अभी ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए हम लोग इसको पूरा पूरा चारों साइड अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे, पूरा जैसे कपड़ा अच्छे से बैठ जाए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। ऐसे सिलाई लगा लेने से ये सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ आता है, कपड़ा हिलता नहीं है। देखिए हमारे फ्रंट का पार्ट भी पूरा रेडी हो गया। अभी ये बैक का पार्ट का हम लोग कैसे, देखिए अभी शोल्डर को हम लोग जॉइन करना है। फ्रंट का पार्ट को हम लोग सीधा रखा और बैक का पार्ट को उल्टा रखते हुए देखिए उसका अस्तर को ऐसे जॉइन कर लेंगे। देखिए मैं स्टिच लगा लिया। अब देखिए इसको फोल्डिंग का है, इसका भी सिलाई अंदर की तरफ गया। दूसरे शोल्डर को भी सेम तरीके से जॉइन कर लेंगे और बाद में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। देखिए मैं दोनों शोल्डर को जॉइन कर लिया। अभी इसका स्लीव रेडी करेंगे। देखिए स्लीव के ऊपर हम लोग स्लीव का जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अस्तर को रखते हैं, हम लोग उसका सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रखा, उसके ऊपर अस्तर रख के देखिए मैं पहले मैं नीचे से सिलाई लगा रही हूँ, फिर इसको फोल्ड करके और एक सिलाई लगाऊंगी। इस स्लीव के लिए थोड़ा कम कपड़ा था इसलिए हम लोग को थोड़ा जॉइन करना पड़ रहा है दो साइड पे। देखिए अभी ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, पूरा जो अस्तर का कपड़ा है अच्छे से बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं। और हम लोग इसका नीचे फ्रिल बना के लगाएंगे। देखिए हम लोग का स्लीव पूरा रेडी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे।
देखिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के निकाल दिया, मैं स्लीप पूरा रेडी हो गया। अभी देखिए हम लोग फ्रिल बनाने के लिए, हम लोग ये 4 इंच का कपड़ा था, 2 फोल्ड करके एक सिलाई लगा दिया। अभी देखिए ऐसे छोटा छोटा चुन्नट देते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए एक एक करके चुन्नट देंगे और सिलाई लगा देंगे, पूरा रेडी कर लेंगे। देखिए हम लोग का ऐसे फ्रिल रेडी हो गया। अभी इसको देखिए ऐसे ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं पूरा उसको स्टिच कर दिया। अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके फिर ऊपर से और एक स्टिच करेंगे। देखिए अभी ऊपर से स्टिच कर देंगे। देखिए पूरा फ्रिल वाला जो हम लोग का स्लीव है पूरा रेडी हो गया। देखिए अभी हम लोग स्लीव को शोल्डर के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए स्लीव का पहले हम लोग बीच में एक निशा लगा देंगे, फिर उसको और शोल्डर से हम लोग लगाना शुरू करेंगे। ये अच्छे से स्लीव पूरा अटैच होता है, ये 2 भागों से सिलाई करना पड़ता है, शोल्डर से जॉइन करेंगे सबसे अच्छा रहता है। देखिए जॉइन हो गया, फिर हम लोग ऐसे उल्टा करके सिलाई लगाएंगे दूसरे साइड पे। देखिए हम लोग अभी दूसरा स्लिप को भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। दूसरा स्लिप भी रेडी कर लिया था, इसके साथ अभी अटैच कर लेंगे। देखिए अभी इसको हम लोग देखिए ऊपर से इसको पहले जॉइन करेंगे। देखिए ऊपर से जॉइन कर लिया, फिर इसको अंदर की तरफ से जॉइन करेंगे, जैसे सिलाई दिखना नहीं चाहिए। देखिए मैं सिलाई लगा लिया, अभी दूसरे साइड को भी सेम इसी तरह, देखिए सिलाई इसका नहीं दिख रहा है, अभी दूसरे साइड को भी सेम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। देखिए अभी इसका जो फिटिंग का निशान में लगा दिया, फिटिंग का देखिए ब्लाउज पूरा रेडी हो गया। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।